Oh, bye, bye, bye. Oh, you can. Oh. कर दिए और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का लाइट बंद करने के बाद आपकी वजह से कुछ कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अगर आग नज़र आए तो कोई जो जंगली जानवर जिसकी आवाज़ आ रही थी वो चीज़ मेरे आसपास में ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसा चैलेंज लेकर जो शायद इतना खतरनाक होने वाला है जिसका मेरा आइडिया मैं खुद नहीं लगा सकता यार। थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्योंकि जगह ऐसी है, जंगली जानवरों का रिस्क इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि भालू, लकड़बग्घे, शियार, पैंथर, तेंदुए, मतलब यहाँ पर इतनी तादाद है उनकी कि कहीं से भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और मैं इस जगह पर आज पूरी रात बिताने वाला हूँ। अभी टाइम कोई खास हुआ नहीं है, तकरीबन अंधेरा भी जस्ट हुआ ही है, मतलब ऐसा समझ सकते हो 6:30 या 7 के बीच का टाइमिंग है। और मैं जस्ट इस जगह पे पहुँच, क्योंकि काफ़ी दूर ये जगह है तो आते आते मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। और साथ में मैं दिक्कत ये भी हुई एक मेरे साथ और कि आते वक्त मेरे को इस जगह पे पहुंचने की इतनी जल्दी थी, मैं सोच रहा था कि जल्दी आ जाऊं कि दिन का भी टेक ले सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस जल्दबाजी के बीच में मैं खाना लाना भूल गया, बस साथ में मैं एक पानी बोतल कैरी करके लाया हूं क्योंकि वो ज़रूरी है। भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं है, तो उसके लिए पानी बोतल है मेरे पास। और सबसे बड़ा रिस्क भाई यही है कि रात पूरी बितानी है जंगली जानवरों से बच के। यहाँ पर मैं कैंपिंग करने वाला हूँ, टेंट लगा के यहाँ पर पूरी रात रुकने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है मेरे साथ में। तो जो भाई वीडियो यहाँ तक देख लिया, पहले तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहली बार तो जाके सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो देखना यार, स्किप मत करना क्योंकि क्या होगा मेरे को खुद भी नहीं पता। वो तो बाद में जब एडिटिंग करूँगा यहाँ से बच के निकल जाऊँगा तब पता चलेगा। तो चालू करते हैं यार, पहले फटाफट मैं अपना यहाँ पर टेंट लगा देता हूँ क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है और जंगली जानवर वगैरह अब निकलने चालू हो जाएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना टेंट जो है, अपनी जो कैंपिंग जो है वो तैयार कर लूँ, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। भाई तकरीबन आधा घंटा लग गया, आधा से पौना घंटा लग गया मेरे को पूरे टेंट को खड़ा करने में, क्योंकि अकेले बंदे की पॉसिबल है नहीं यार। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको लगा दिया है एंड
जंगली जानवरों की आवाज़ें आनी चालू हो गई है। जब मैं लगा भी रहा था तब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी दोस्तों। तो अब मेरे को करना सिर्फ इतना ही है कि जो मेरे पीछे ये टेंट दिख रहा है आप लोगों को, इस टेंट के अंदर आज पूरी रात मेरे को यहाँ बितानी है। एक तरह से ये चैलेंज समझ सकते हो कि मैंने खुद को ही एक ऐसा चैलेंज दिया है कि एक ऐसे जंगल के अंदर जाकर रुका जाए जहाँ पर कहा जाता है कि जानवरों के साथ साथ प्रेत आत्माएं, शक्तियाँ और ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसका परिणाम क्या निकल के आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं सुबह यहाँ से जिंदा यहाँ से निकल पाऊँगा भी नहीं, ये भी नहीं पता। बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस आज की रात हमारी यहाँ से सेफली कंप्लीट हो जाए और चलते हैं। आप लोगों को टेंट के अंदर लेके चलते हैं और वहीं पर बैठकर आगे की बातें करेंगे और जो भी कुछ यहाँ पर होगा वो तो खैर आप लोग देखोगे ही। तो चलते हैं दोस्तों टेंट के अंदर। तो भाई कैमरा मैंने अपना उठा लिया है और कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है, अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देनी चालू हो गई है। और एक बार अगर मैं चांद की तरफ फोकस करूँ तो भाई ये देख लो, और टेंट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। और इस पेड़ के नीचे टेंट लगाने का रीज़न मेरा ये था कि ये जगह जो है ना थोड़ी सी साफ़ सी लग रही है, साफ़ इन द सेंस कि यहाँ पर ना रेत वगैरह या कांटे वगैरह ये सारी चीज़ें तो पड़ी हैं लेकिन झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो ये जगह मेरे को थोड़ी सी सेफ सी लगी, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। और भाई देखते हैं, चलते हैं टेंट के अंदर और बिताते हैं रात। पानी की बोतल मेरी बाहर ही पड़ी हुई है, पहले पानी की बोतल अंदर रख लेते हैं यार। तो भाई पानी की बोतल ले लेते हैं, शूज मैं अपने बाहर ही खोल कर जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, वैसे अंदर थोड़ी गंदगी हो रखी है, जब मैं लगा टेंट लगा रहा था तो उस वक्त ही थोड़े रेत इसके अंदर घुस गए थे। तो एक बार अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पर पानी बोतल रखते हैं और कैमरा रखता हूँ मैं सामने की तरफ में। और सबसे पहले मेरे को यार ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा क्योंकि वही बैठ गया हूँ और शूज़ वगैरह मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। और बाहर अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो देख लो भाई, मैं लाइट लगाता हूँ सामने और कैमरा निकालता हूँ अपना। तो दोस्तों पता है होता क्या है कि जैसे अक्सर अगर कोई कैंपिंग करने के लिए जाता है तो दो चार बंदे साथ में जाते हैं ना, तो एक प्रॉपर तैयारी होती है। या जैसे कोई बंदा कुछ भूल रहा है तो दूसरा बंदा याद दिलाता है एंड वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मेरे साथ एक चीज़ और है कि थोड़ा सा ठंड का माहौल भी है और मेरे पास कोई बिस्तर नहीं है, सिर्फ ये टेंट है। तो टेंट से इतनी सहूलियत है कि अगर बारिश आ जाए या हवाएं तेज़ चलने लगे तो उनसे मेरे को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन भाई इस तरह से यहाँ पर पूरी रात निकाल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। और दोस्तों रात ऑलमोस्ट मतलब हो गई है, अब यहाँ पर तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि आधा पौना घंटा मेरे को तकरीबन ये टेंट लगाने में ही लग गया। तो 8:15 या 8:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा। मैं अभी घड़ी ना मैं पहनता हूँ और ना मैं ये सब, अभी मैंने टाइम देखा भी नहीं है और सच बताऊँ थोड़ा डर भी रहा हूँ, तो डर की वजह से मैं कुछ से कुछ भी बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो। बाकी एक जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं, पूरी रात बितानी है, कैसा यहाँ का माहौल रहेगा, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा सब पता चलेगा। तो जिन भाइयों ने जिन बहनों ने वीडियो यहाँ तक अभी तक देख ली है और मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो भाई सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
इतना जोखिम भरा काम करते हैं यार, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट आप लोग कर सकते हो उसमें। आपके यार देखो, एक रुपया नहीं लगने वाला, ना ही आपके कोई पैसे लगेंगे, ना ही आपसे कुछ वो बोल रहा है। बस आपको वहाँ पर जाके एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वो जाके दबा देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बाकी यहाँ पर रात बितानी है, देखते हैं रात भर क्या होता है हमारे साथ में। लेट्स सी। दोस्तों देखो, ऐसे जंगल भरे माहौल में देखो नींद तो किसी को नहीं आती यार। पता नहीं मैं कैसे लोग बोलते हैं कि यार सोलो कैंपिंग जंगल या 24 आवर्स चैलेंज करो यार। सच बताऊं तो ऐसी जगहों पे तो नींद आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी हो सकता है। जगह जगह पर कदम कदम पर इतने खतरे कि जिनकी कोई गिनती नहीं। और जैसे जैसे रात बढ़ रही है ना दोस्तों, मेरे को अभी देखो टेंट वगैरह हिल रहे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं धीरे धीरे, तो और ठंड भी बढ़ रही है उसकी वजह से। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की ना मेरे को ये लग रहा है कि सहूलियत है कि यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह मेरे को आसानी से मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और थोड़ी लकड़ियाँ उठाता हूँ और लकड़ियाँ जमा कर थोड़ी सी आग लगाता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आग की वजह से और लाइट की वजह से ना जो जंगली जानवर वगैरह हैं वो हमारे आसपास में नहीं आते। तो एक आग जलाना मेरे लिए ये एक समझ सकते हो कि मेरे लिए एक सेफ्टी हो सकती है, और दूसरा सेफ्टी मेरे लिए ये हो सकती है कि वो चीज़ मेरे को ठंड से ही बचाए रखेगी। क्योंकि इस तरह से बिना बिस्तर के और बिना किसी कंबल के ऐसे पूरी रात यहाँ पर निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बिना देरी के भाई चलते हैं बाहर की तरफ में, और थोड़ी सी लकड़ियाँ उठाता हूँ और आग जलाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। बाकी गाड़ी मेरी यहाँ से थोड़ी दूर पर ही खड़ी है, तो वहाँ पर उसके अंदर शायद लाइटर वाइटर कुछ पड़ा होगा, देखता हूँ मैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई एक बार कैंपिंग वगैरह ऐसा कुछ किया था, कहीं पर आग जलाकर रात में जंगल में बैठे थे हम, तो शायद माचिस वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिल जाए। तो देखते हैं, बाकी चलते हैं बाहर की तरफ में, एक बार आग जलाते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ना जैसे जैसे रात बढ़ रही है, जंगली जानवरों का खतरा काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और हवाएं तेज़ हो रही है, ये दिख रहा होगा आपको। तो भाई बिना देरी के निकलता हूँ मैं, पहले तो लकड़ियाँ लगा के आग जलाते हैं ताकि मैं सेफ रह सकूँ और जंगली जानवर मेरे आस पास में ना आए। तो यार देख लो, अकेले बंदे से टेंट लगाने का नतीजा यही होता है कि यहाँ पर देखो कितनी रेते वगैरह अंदर घुस गई है, थोड़ी हवा की वजह से भी अंदर आ रही है। तो मैं बाहर चलता हूँ, शूज़ पहनता हूँ और आग जलाने की तैयारी करते हैं यार। तो भाई शूज़ मैंने पहन लिए हैं, और ये पेड़ पर भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, लेकिन मैं पेड़ से नहीं तोड़ सकता। और इधर चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे को सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे यार ये देखो, ऐसी ही लकड़ी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर अगर मैं ढूंढूँ तो काफ़ी ज़्यादा जैसे उस तरफ में पड़ी हुई हैं। तो पहले तो इसको ले चलते हैं और तोड़ तोड़ के इसकी पहले आग जला लेते हैं, फिर बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और लकड़ी यहाँ पर मिल जाएगी मेरे को आसानी से। तो पहले इसको जलाते हैं यार। तो मैं पहले एक बार कैमरा रख देता हूँ और आग जलाकर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों।
तो भाई आग जल चुकी है और कैमरा मैंने पीछे स्टैंड पर लगा रखा है, और सच बताओ तो साथ में ना यहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की। बस मेरे को डर है कि कोई ख़तरनाक जानवर, ऐसा जानवर मेरे आसपास ना आ जाए जिससे मेरे को जान का जोखिम हो जाए दोस्तों, या किसी और चीज़ का जिसको अदृश्य शक्ति बोल सकते हैं उन चीज़ों का भी रिस्क है भाई। तो उन चीज़ों से बच के मेरे को रहना पड़ेगा, बाकी रात तो बितानी है ही, देखते हैं क्या होता है यार। एक मिनट कैमरा उठा रहा हूँ, एक ना अजीब सी आवाज़ आ रही है दोस्तों, अजीब सी किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, और ये मेरे को थोड़ा भयानक सी आवाज़ लग रही है, इसलिए मैंने कैमरा उठा के सोचा कि आप लोगों को एक बार चारों तरफ दिखा दूँ। बाकी लकड़ियाँ मेरे पास यहाँ पर अभी काफ़ी हैं, और इधर भी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन धुआं आ रहा है यार थोड़ा। इस तरफ में आता हूँ, कोई जंगली जानवर, नजर तो नहीं आ रहा यार। भाई मैंने लाइट बंद कर दी है क्योंकि मेरे को बैटरी भी बचानी है, तो उसके लिए मैंने लाइट बंद कर दी है, और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का लाइट बंद करने के बाद आग की वजह से कुछ कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अगर आग नज़र आए तो कोई जो जंगली जानवर जिसकी आवाज़ आ रही थी वो चीज़ मेरे आसपास में ना आए। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि टेंट के पास ही बैठूँ, क्योंकि इधर उधर रहना मेरे लिए खतरे से खाली हो नहीं हुआ यार। बाकी चांद की रोशनी ऊपर दिख रही होगी आप लोगों को, और ये आग सामने की तरफ जल रही है यार। मैंने क्या किया है ना, लाइट की बंद कर दी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बैटरी मेरी है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि मेरे को पूरी रात निकालनी है, इसलिए मैंने आग की लाइट में ही मैंने सोचा कि जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो सकेगा, जहाँ तक चीज़ें मेरे को दिखेगी वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आग की रोशनी में ही थोड़ी देर बिताते हैं, क्योंकि लाइट बचाना बहुत ज़रूरी है यार, पूरी रात निकालनी है, और साथ ही जंगली जानवरों से भी बच के रहना है। तो देखते हैं भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लकड़ियाँ पड़ी थी ना मैंने सारी धीरे 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 करके यहाँ पे जला दी है, और एक मिनट किसी जंगली जानवर की आवाज़ आ रही है यार, किसी जंगली जानवर की आवाज़ आ रही है, एक बार नोटिस करते हैं यार आवाज़ को। ऐसा लग रहा है कहीं कुत्ते वगैरह, मैं लाइट जलाता हूँ एक बार, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में कहीं कोई कुत्ते वगैरह कुछ हो। यार ये देखो आवाज आ रही है दोस्तों, बाकी कोई चीज नजर नहीं आ रही है, आग यहाँ पर जली पड़ी है।
यार मैं क्या करता हूँ ना, मैं अंदर बैठ जाता हूँ लाइट वाइट बंद करके, क्योंकि मेरे लिए सेफ यही रहेगा यार। भाई थोड़ी हालत ख़राब हुई दिख रही होगी, तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, उसका खतरा लग रहा है। एंड आग भी मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बंद होने वाली है यार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी तेंदुए की आसपास में कोई तेंदुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सामने कोई चीज है यार। मैं ओ भाई भाई भाई, ओ ये क्या है? ओ भाई।